गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम सिखाएंगे 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, वो भी शॉर्ट ट्रिक में, जो कि सेकेंडों में उसका सल्यूशन कैसे निकालेंगे वो ट्रिक इसमें सिखाएंगे। तो ये है 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। थ्री डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन, इससे पहले हमने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया है, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स में सिखाया है। तो इसमें चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन 1 लिया है, 4, 3, 2 मल्टीप्लाई 6, 5, 7, इसका मल्टीप्लिकेशन एक लाइन में कैसे करेंगे। इससे पहले एक फार्मूला मैं बना देता हूँ, जो कि आप लोग उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसमें कंफ्यूज हो जाए तो पहले फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा। ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ, मान लो ये है वो मल्टीप्लिकेशन, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये 3 डिजिट हैं, ये भी 3 डिजिट हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करना है, तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम सी और एफ का मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम करेंगे सी मल्टीप्लाई एफ, एंड स्टेप टू में क्या करेंगे, स्टेप टू में करेंगे बी और एफ का मल्टीप्लाई, बी मल्टीप्लाई एफ, फिर प्लस सी ई, सी ई, ठीक है। अब स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में करेंगे ए एफ, ए मल्टीप्लाई एफ प्लस ए एफ एंड प्लस सी डी, सी मल्टीप्लाई डी, फिर प्लस बी ई, बी मल्टीप्लाई ई। इस प्रकार ये स्टेप 3 होगा। और स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में ए ई, ए मल्टीप्लाई ई प्लस एंड बी डी, बी मल्टीप्लाई डी। और स्टेप 5 में क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई डी, ये 5 स्टेप इसमें फॉलो होंगी। इसमें थोड़ा स्टेप बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे तो सेकेंडों में निकल जाएगा, उसमें इतना बड़ा नहीं लगेगा। ये 3 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक्स है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं, सी एफ मल्टीप्लाई यानी 2 का 7 में करेंगे। सो 7 × 2 = 14 कैरी 1, अब 7 × 3 = 21 और प्लस 5 × 2 = 10, ये हो गए कितने, 31 और 1 = 32, 32 × 2 कैरी 3, अब किसका करेंगे, 7 × 4 = 28 और 6 × 2 = 12 और 53 = 15। तो कैसे हो, इसका ऐड कर दो, ये हो गए 15 × 5 कैरी 1, 55 58 हुए, 58 × 8 कैरी 5, अब 4 × 5 = 20 और 3 × 6 = 18, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 38 में 5 हासिल जोड़ो
तो 43 के 3 कैरी 4। अब 4 6 24, 25 26 27 28, मतलब इसका आंसर ये आएगा 28 38 24। ये मैंने इधर कैलकुलेशन किया है, तो ये देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, बहुत अधिक टाइम नहीं लगा। तो ये स्टेप फॉलो होंगे इसमें। इसका और भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर ले लो 3 डिजिट के, 3 2 4 मल्टीप्लाई 2 3 6। पहले इसका करते हैं स्टेप 1, 4 6 24 के 4 कैरी 2। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, इसका 2 6 12 एंड 4 3 12, तो ये 24 25 26, 26 के 6 कैरी 2। इसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 और 4 2 8 और 3 2 6, तो कितने हो गए 16 16 6 22 के 2 कैरी 2 3, मतलब 32 हुए ये, 32 और कैरी 2 और, तो 34 के 4 कैरी 3। अब स्टेप हम फॉलो करेंगे ये 4 वाला, 3 3 9 और 2 2 4, 9 4 13, 13 3 16 के 6 कैरी 1, 3 2 6 6 1 7, मतलब इतना आंसर आ जाएगा इसका 76464। ये हमारा 3 डिजिट का मल्टीप्लाई है। चलो और इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 2 4 मल्टीप्लाई 4 3 6, इसका करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका इसका मल्टीप्लाई, 4 6 24 के 4 कैरी 2, 6 2 12 और 4 3 12, ठीक है, तो 24 हो गए ये, 25 26 के 6 कैरी 2, फिर अगेन 6 3 18 और 4 4 16 और 3 2 6, कितने हो गए, 6 2 12 12 8 20 और ये हो गए 40 40 2 42, 42 के 2 कैरी 4। अब 3 3 9 4 2 8, कितने हो गए 8 16 17, 17 ये हो गए, 17 4 21 के 1 कैरी 2, ठीक है। अब 3 4 12 13 14, मतलब 14 12 64, ये आंसर आएगा इसका। वैसे तो पुराने मेथड से तो काफ़ी लंबा पड़ता है ये, इसमें तो शॉर्ट ट्रिक से आसानी से निकल आता है। और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके, फोर थ्री टू एंड मल्टीप्लाई 3 4 9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 2 1 मल्टीप्लाई 4 6 3,
इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 493 मल्टीप्लाई 324 इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 938 मल्टीप्लाई 483 इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो पहले इतने मल्टीप्लाई देख लेते हैं। चलो पहले इसका कर लेते हैं। ये पहले क्या करते हैं, इसका स्टेप वन में एक का मल्टीप्लाई तीन में करेंगे तो तीन ही आएगा। स्टेप दो में क्या करते हैं, इसका इसमें करते हैं फिर प्लस साइन फिर इसका इसमें, यानी स्टेप दो में क्या आ जाएगा, ये इसका वन का सिक्स में करो तो सिक्स, और फिर ये स्टेप वन में हो गया वन मल्टीप्लाई थ्री, थ्री आ गया। स्टेप टू में वन मल्टीप्लाई सिक्स, सिक्स आया प्लस, अब ये दो तीन छः फिर आएगा, ये बारह आ जाएगा, बारह के दो आ जाएंगे कैरी वन आ जाएगा। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, वन का मल्टीप्लाई फोर में करेंगे फोर आएगा, और थ्री का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे तीन त्रिका नौ आ जाएगा, ठीक है। और अब दो का मल्टीप्लाई छः में करेंगे तो दो छंग बारह, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्कीस चार चौबीस, ये हो गए बारह नौ इक्कीस, और इक्कीस चार पच्चीस, और पच्चीस एक कैरी छब्बीस के छः कैरी टू, ठीक है कैरी टू। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई छः त्रिक अठारह और दो चाको आठ, ठीक है आठ दो सोलह छः कैरी वन छब्बीस, ये और छब्बीस दो कैरी अट्ठाईस के आठ कैरी टू, तीन चको बारह तेरह चौदह, मतलब 148 623 आंसर इसका आएगा, 148 623। अब इसका कर लेते हैं। स्टेप वन में क्या करते हैं, टू का नाइन में दो नेम अठारह कैरी, कैलकुलेशन साइड में कर लो, कैरी वन आ गया, कैरी उसके आगे वाले में जुड़ता जाएगा, दो नेम अठारह के आठ कैरी वन, अब तीन का नौ में करो तीन नेम सत्ताईस प्लस दो चाको आठ, तो अब इनको जोड़ दो कितना हो गया, सोलह छः कैरी वन और दो एक तीन छत्तीस हुआ, छत्तीस के छः कैरी कितने बचे तीन। अब स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, चार का मल्टीप्लाई नौ में करते हैं चानवे छत्तीस, और फिर दो का मल्टीप्लाई तीन में दो तिहाई छः, और फिर प्लस तीन का मल्टीप्लाई चार में करते हैं तीन चको बारह, इनको ऐड करो छत्तीस छः बयालीस, और बयालीस बारह कितने हो गए चार चौवन, चौवन ये हो गए चौवन में तीन और जोड़ो कैरी सत्तावन हो गए, सत्तावन के साथ कैरी पाँच, ठीक है। अब स्टेप फोर्थ में क्या करते हैं, चार चको सोलह प्लस तीन त्रिका नौ, इनको ऐड कर दो सोलह नौ कितने होते हैं पच्चीस, पच्चीस में पाँच जोड़ोगे कितने हो जाएंगे तीस, तीस के जीरो कैरी आएगा तीन। अब इसका जो फिफ्थ फाइव स्टेप है, चार तेई बारह, चार तेई बारह और तीन पंद्रह, यानी 150 768 ये हमारा आंसर आएगा। आप लोग इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, यही सेम आएगा। अब इसके बाद ये दो क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, तीन चको बारह के दो कैरी वन आएगा, अब नौ चौक छत्तीस, छत्तीस प्लस तीन दूनी छः, छत्तीस छः कितने हो गए बयालीस,
छत्तीस छः बयालीस, और बयालीस एक कैरी तैंतालीस के तीन, कैरी आएगा चार। ठीक है, अब स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, चार चको सोलह और तीन त्रिका नौ और प्लस नौ दून अठारह, इतना करो। तो ये तो हो गए नौ दून अठारह, नौ तीन सत्ताईस, सत्ताईस और सोलह कितने हो गए, तेरह तीन कैरी वन चार, तैंतालीस और तैंतालीस चार कितने हो गए, सैंतालीस के साथ कैरी चार। अब स्टेप फोर्थ में क्या करते हैं, चार दूनी आठ और नौ तियाँ सत्ताईस, सत्ताईस और आठ कितने हो गए, पैंतीस और पैंतीस चार, उनतालीस के नौ, कैरी आया थ्री। अब स्टेप फाइव में क्या करते हैं, चार तियाँ बारह, इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो चार तियाँ बारह, बारह और कैरी कितने थे इसमें, तीन, चार तें बारह, तेरह चौदह पंद्रह, वन फाइव नाइन सात सौ बत्तीस, वन फाइव नाइन सात सौ बत्तीस इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये अब क्वेश्चन नंबर ये वाला देख लेते हैं, इसका इसमें करो आठ त्रिक चौबीस के चार, कैरी टू, स्टेप वन हमारा कंप्लीट हो गया, आठ त्रिक चौबीस के चार कैरी दो। अब स्टेप दो में क्या करते हैं, इसका इसमें करते हैं तीन त्रिका नौ और प्लस अठहठ चौंसठ, इनको ऐड करो, नौ और चार कितने हो गए, तेरह के तीन कैरी वन, छः एक सात और ये जो कैरी आए थे इसके, तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर के पाँच, कैरी बचा सेवन। अब स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, नौ का मल्टीप्लाई तीन में, नौ तियाँ सत्ताईस प्लस आठ का मल्टीप्लाई चार में, आठ चौक बत्तीस, फिर प्लस तीन का मल्टीप्लाई आठ में, आठ त्रिक चौबीस, इतना आएगा, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तीन कैरी वन, तो तीन उन्नीस छः सात आठ, एट्टी थ्री और सात और जोड़ो तो नाइन्टी हो जाएगा, नाइन्टी के जीरो कैरी नाइन। अब स्टेप फोर्थ में क्या करेंगे, नौ का मल्टीप्लाई आठ में, नमट बहत्तर, फिर तीन का प्लस तीन का मल्टीप्लाई चार में, तीन चको बारह, जोड़ दो कितने हो गए, 84 और 84 में 9 और कैरी जोड़ो, 13 कैरी 1, 93 93 के 3, फिर कैरी 9। अब स्टेप 5 में क्या करते हैं, 9 का मल्टीप्लाई 4 में, 9 चौक 36, चौक 36 और कैरी 9, 9 अपना 45, यानी 453 जीरो चौवन, 453 जीरो चौवन, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस प्रकार ये थ्री डिजिट का मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक है, जो कि कम समय में क्वेश्चन निकल सकते हैं इसमें। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, या चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।